ये सीपी चाइल्ड है और ये बच्चा जो है अलुमिन स्कूल में पढ़ता है औरंग में, तो इसके साथ जो इसका क्लास फेलो है, क्या नाम है उनका, क्या जुहेब, जुहेब नाम है जुहेब। तो वो जुहेब बच्चे ने हमको जो बोला कि इसको अहमद को ले जाके इन डॉक्टर साहब को, मतलब किन डॉक्टर साहब को, डॉक्टर खाकान जहांगीर, तो इनको ले जाके आप दिखाएं डॉक्टर को। जी जी। तो उस बच्चे के उस कहने के ऊपर जो है ना मैं इनको यहाँ लेकर आया हूँ, और उन्होंने बच्चे ने बोला इस अंदाज से और इस उससे बोला इतनी मोहब्बत से कि बस आप उसको लेके जाएं, मैं कह रहा हूँ। तो फिर वो नेक्स्ट डे जो है अपने वालिद से कार्ड भी लेकर आया कि ये कार्ड है और आप इसको लेकर जाएं। फिर हमने किसी तरीके से फिर यहाँ अस्पताल में रब्ता करा और यहाँ तक के हम पहुँचे, डॉक्टर साहब का टाइम मिल गया और आज हम बच्चे को दिखाने के लिए आए और हम मुतमईन हैं डॉक्टर साहब से, मुतमईन हैं उनकी बातों से, उनके इलाज से, जो चीज़ वो बता रहे हैं दिखा रहे हैं हमको। आज तक के किसी भी डॉक्टर ने हमको ऐसी चीज़ ना बताई है ना दिखाई है, पर हम उनकी बातों से उनकी चीज़ों से हम मुतमईन हैं। इलाज तो हम बहुत करवा चुके हैं इसका, इसको आर्थोपैथिक को भी दिखा चुके हैं, इसको नेरो को भी दिखा चुके हैं, कराची में, कराची में ही दिखाया है और कराची के बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाया, दिखा चुके हैं, लियाकत नेशनल में भी दिखाया है, नेरो के डॉक्टर को, सबको दिखाया, पर कोई ऐसी मतलब एनएमआई हॉस्पिटल में दिखाया, एनएमआई हॉस्पिटल में दिखाया, इनका ऑपरेट भी करवाया। जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिली वो इन्फॉर्मेशन पहले किसी ने दी आपको? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हमें किसी ने भी, किसी ऐसे बच्चे कैसे ठीक होते, नहीं। डॉक्टर शाह ने एक दफा हमें जब हम इसको लेके गए थे फर्स्ट टाइम पे, ये 4 ईयर्स का था, तो जब उन्होंने हमें ये बताया था कि इसकी जिस पैर में है मसला उसका उन्होंने बताया था कि इसे 4 जगह से कट लगेंगे और इसके पट्टे जो है वो लूज हो जाएंगे, ठीक, फिर मगर हमने वहाँ से करवाया नहीं, हम चले गए मायशा इसकी वहाँ से फिजियोथेरापी करवा देते, फिर वहाँ एक डॉक्टर थे उन्होंने हमें NMI भेज दिया अनीसुद्दीन भट्टी के पास, ठीक, फिर उन्होंने पेपर बना के दिया। अब उन्होंने सही लिख के नहीं दिया या उन्होंने सही पढ़ा नहीं, क्या किया उन्होंने, किस तरह ऑपरेट किया वो पे, उन्होंने ऑपरेट सही नहीं हुआ। तो उस ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत पहले और बाद में क्या फर्क आया? नहीं, पहले तो ये जो है ना ये वाला पैर पंजे पे रखता था, ठीक, बिल्कुल पंजे पे, अच्छा, फिर ये कुछ दिनों में जैसे 15 से 20 दिन इसका प्लास्टर बंद रहा, सीधी बिल्कुल टांग थी इसकी, फिर उसके बाद जो है ये इसने पैर रखना शुरू कर दिया बकायदा, इसने लेकिन घुटने ज्यादा मुड़ गए, नहीं उस वक्त इसके घुटने इतने बेंड नहीं होते थे, उस वक्त इतने नहीं होते थे जितने अब होने लगे, हाँ, तो वो पैरों में से ताकत खत्म हो गई, खत्म हो, तो घुटने मुड़ गए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम लोग जिनके ये मसले होते हैं उनको पैरों को छेड़ते नहीं, कोविड से पहले ये इंडिपेंडेंट चलने लगे, चल गया था यहाँ से यहाँ तक, बल्कि बाहर तक चला जाता है, चला जाता। उसके बाद आपने सर्जरी करवाई? नहीं, सर्जरी तो पहले ही करवाई, पहले की हुई भी थी, ये चला है, अच्छा, चला बाद में, ये तकरीबन 5-6 साल के बाद चला है, जी जी, सर्जरी के 5-6 साल के बाद चला है, अच्छा अच्छा। और फिर ये कैसे, कोविड हुआ ना, तो कोविड के अंदर फिर ये बैठ गया, ना स्कूल जा रहा ना कहीं जा रहा था, फिजियोथेरापी भी रुक गई उनकी सारा, मतलब जो भी प्रोसेस, अभी यानी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम बस सारा इलाज खत्म हो गया, इसका इलाज जहाँ है जैसा है बस सही है, बस ये स्कूल जाते हैं डेली, स्कूल जाते हैं ये, और बस जो एक्टिविटीज वहाँ होती है ये वो करते हैं बस, बाकी हम डॉक्टर के मतलब इस उससे हट गए थे। ये तो माशाल्लाह से आपके बारे में हमको पता चला, बच्चे ने जब हमको गाइड करा और फोर्स करी उस बच्चे ने कि लेके जाएं इसको, तो फिर हम आपके पास लेकर आएंगे। चले इंशाल्लाह, जिस तरह बाकी बच्चे जो है इस तरह के बच्चे चल पड़े हैं, तो अगर उस तरीके से आप लोग इलाज करवाते रहेंगे, उस सीक्वेंस में करवाएंगे, उस तरतीब से करवाएंगे, तो इस बच्चे में आप हर दफ़ा जब भी मेरे पास आएंगे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आती जाएगी, और इसको हमने चला देना है इंशाल्लाह, घुटने सीधे कर देने और इसको चला देना सहारे के साथ, और फिर जैसे जैसे इसकी ट्रेनिंग होती जाएगी बगैर सहारे के भी चलने के चांसेस बन जाएंगे। इनको बस हमने प्रॉपर जो इलाज करवाया डॉक्टर एम ए आरिफ से, वो जो इनके फिट्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे, और इसको फिट्स होते थे सोते हुए में, जब भी फिट्स होते थे सोते हुए में, बहुत खतरनाक फिट्स होते थे जी। जो फिट्स का है न्यूरोलॉजिस्ट का जो इलाज चल रहा है वो आप चलाते रहे, उसको नहीं रोक, लेकिन ये की जो जिस्मानी माजूरी पैदा हो गई है सेरेब्रल पाल्सी की वजह से,
उस जिस्मानी माजूरी को आगे बढ़ने नहीं देना, उसको रिवर्स में लाना है और इसको चलाना है हमें इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। ये मकसद है हमारा। जी जी।